अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ऑडिबल। वालेकुम सलाम। यस मैम, ओके सो आप ऐसे कितने लोगों ने मतलब स्ट्रीमलेट पे काम किया है? राइट, ओके सो स्ट्रीमलेट की आप ठीक चल रही थी। यस मैम। सलातिल आपने भी किया? जी वालेकुम सलाम। जी मिस, मैंने देखा था, वो मेरे एंड पे इशू आ रहा था, थोड़ा सा क्या इंस्टॉलेशन इशू का, था? थोड़ा सा स्ट्रीमलीट की इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा मसला आ रहा था। जी ओके वो मैं कर लेता सो हूँ, उसके तो बाद में फिर मैंने हाँ वो जी गूगल मैप पे किया था, वहाँ ओके पे भी थोड़ा सा इशू आ रहा था। उधर मेट्रो और लिफ्ट का कहीं इशू आने लगे। जी चले वो आई मैंने, थिंक यस जी वो मुझे भी लगता है बाज का कुछ और भी पार्टिसिपेंट्स के ये कंप्लेन आई थी मुझे इनबॉक्स में भी के नहीं हो रहा। सो मुझे ये भी लगता है कि बाज का तो अब नेम भी अगर चेंज करें ना फाइल का, अगर पाइथन फाइल के अंदर स्पेस है ना नेम के अंदर, ठीक है आपने नेम में स्पेस दी हुई है तो तब भी वो इशू कर रहा है। तो अगर आप वो स्पेस हटाएं ठीक है, थोड़ा सा नेम चेंज करने तो शायद तब भी हो सकता है, क्योंकि आपने वो पिप इंस्टॉल करके तो स्ट्रीमलेट को ऑफ कोर्स डाउनलोड किया होगा ना स्टार्टिंग पे, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम स्ट्रीमलेट इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब आपने इंस्टॉल नहीं की हुई, तो आप इंपोर्ट से पहले वही कोलन लगा के पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट करेंगे तो देन ऑफ कोर्स इट विल बी इंस्टॉल्ड। अगर उसके बाद भी नहीं होती रीनेम करने के बाद और वो स्पेस रिमूव करके और फिर भी इशू आता तो देन वी विल सी इट फर्दर। आप स्लैक चैनल पे हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं राइट, तो फिर जो भी अवेलेबल होगा तब आपको वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। गॉट इट? ओके ओके चले ओके सो अभी के लिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। मैंने कल हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो काम किया स्ट्रीम रेट पे, वो तो यहाँ तक था कि हम लोगों ने एक सिंगल पेज ऐप बनाई और मेरा मेन फोकस इसमें ज़्यादा हम लोगों का यही था कि अभी फिलहाल के लिए ये देख लें कि स्ट्रीमलेट से कौन सी और पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइक हम लोग कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्ट्रीमलेट के राइट। तो हम लोगों ने देखा कि लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, फिर डाटा ये जो है मैंने अपने इस में लाइक स्ट्रीमलेट में उसे बताया कि किस तरह से फाइल अपलोडर के थ्रू हम कोई भी फाइल चूज करवा सकते हैं और टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर वो फाइल अपलोड हो गई है तो तब हमने उसे आगे प्रोसेस करके लेटर ऑन यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे उसे बताया कि देखा था कि क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में एन वैल्यूज उसे दी हुई है तो क्वेश्चन मार्क्स रिमूव हो जाए, बेसिक डाटा जो मिसिंग वैल्यूज थी वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। और उसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग जो मैंने लास्ट में यहाँ पे स्किप की हुई थी अपेरेंटली उसके बगैर ये नहीं होगा। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स मैंने लास्ट में आप लोगों पे छोड़े थे। सो इसमें ये है कि मैंने यहाँ पे सिंपली ये किया हुआ कि जो कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं उनको जो है वो मोड से कर दे, और जो न्यूमेरिकल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है न्यूमेरिकल कॉलम्स की और कैटेगोरिकल कॉलम्स की। ठीक है, और उन्हीं को फिर ठीक है यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ये जो इम्प्यूटेशन करवाई है वो मैंने उसी हिसाब से फिर न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए लूप लगा के मीडियम से करवाई है, और कैटेगोरिकल कॉलम्स में भी लूप लगा के जो मैंने लिस्ट पास करवाई थी उनमें बारी बारी वो मोड वैल्यू से उसको इम्प्यूट कर देगा, फिल कर देगा वैल्यू, उसको फिल एन ए का फंक्शन यूज़ किया मैंने यहाँ पे। और ये है कि अगर वहाँ पे कोई एन एन वैल्यू नहीं है तो वो छोड़ दे, और अगर उसको लगता है कि इस कॉलम के अंदर एन एन वैल्यू है तो तब वो वहाँ पे अप्लाई कर दे। ठीक है, मोड को अप्लाई कर दे, सिंपल ये था। और उसके बाद यानी ये सिंपली ये वाली जो प्री प्रोसेसिंग है वो करके, जो कि आपने अपने पे हो सकता है आपने इंप्यूटर अप्लाई करके डायरेक्टली कर दी हो सो दैट्स आल्सो फाइन, ये लूप लगा के कर रहे हैं दैट्स आल्सो फाइन कि आपने फिल एन ए का फंक्शन लेटर ऑन लगा दिए। सो न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल को ऐसे मैंने सेपरेट ट्रीट करवाया फर्स्ट ऑफ ऑल बाय
मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस वैल्यूज। इसमें एक और तरीका ये भी हो सकता था कि मैं यहाँ पे ये लेदर से दिस देने की बजाय डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देती कि अगर डेटा टाइप न्यूमेरिकल इंटीजर या फ्लोट है तो उसको वो न्यूमेरिकल कंसिडर करे, और अगर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है तो उसको कैटेगोरिकल कंसिडर कर दे। कुछ केसेस में ये जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि हमने तो अभी मतलब अगर हमने लास्ट टाइम जो देखा था ना डेटा टाइप को, मगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट टाइप कैटेगोरिकल डेटा है नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगोरिकल भी है ना वैल्यूज तो फ्लोट की फॉर्म में शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ उतनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकती। तो फ्लोट में न्यूमेरिकल भी है, कैटेगोरिकल भी फ्लोट है कुछ, तो इसलिए मुझे फिर यहाँ पे एक लिस्ट ही पास करनी पड़ी। ठीक, ओके। सो ये चीज़ प्री प्रोसेसिंग की देख ली, ठीक है। कोड कैन बी डिफरेंट, ये बहुत कहीं से भी लाइक आप ले भी सकते हैं, और मतलब आप अपना भी लिखेंगे तो डिफरेंट वे हो सकता है, कॉन्सेप्ट इज द सेम। ठीक, उसके बाद मैंने जस्ट ये किया कि मैं चाहती थी कि स्ट्रीमलेट पे वो वैल्यूज शो हो अपडेटेड वाली। और मैंने यहाँ पे एक काम ये किया था फीचर इंजीनियरिंग में कि मैंने एक ना टॉप फीचर्स एक का वेरिएबल बना के टॉप फीचर्स का कोरिलेशन के टॉप 5 लिए थे। अब इसमें सर का भी क्वेश्चन था कि ये क्यों किया, तो बेसिकली अभी आ गया, आपको पता चलेगा कि ये क्यों किया था। मैंने सिंपली इसका कोई टेक्निकल नहीं है, जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन सेक मैंने एक टॉप फीचर्स का ये अलग से बनाया था, ठीक है। और उसको आगे लेटर ऑन मैंने ऐप में कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल ये मैंने सिंपली एक हिस्ट प्लॉट्स ड्रॉ कर दिए, या फिर एक प्लॉट ली कभी मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया था, ठीक है, कि कुछ ये और प्लॉट ली का ये इतना कोई अच्छा नहीं बना मेरा, इट कुड हैव बीन बेटर। ये मैं आपको शो करवाऊंगी कि मैंने यहाँ पे जेंडर और स्टीरोइड यानी स्टेरॉयड का यूजेज अक्रॉस द जेंडर यहाँ पे एक प्लॉट करवाया हुआ है, ठीक है। तो इट इट वॉज नॉट गुड इनफ ऑनेस्टली, लाइक इट कुड हैव बिन बेटर। बहुत बहुत अच्छे प्रॉटली से प्रॉटली एक्सप्रेस से बन जाते हैं, सो यू कैन ट्राई सम मोर वेरिएशन इन इट। लेकिन अच्छा, फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉटली का ये सिंपली है कि मैंने यहाँ पे कैसे इसको किया, बाकी सारा तो हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे मैंने px.bar जब मैंने यहाँ पे प्लॉटली का बनवा लिया तो एंड पे जस्ट मैंने st.plotly चार्ट लिखा, ठीक है, कि मतलब ये सिंपल कमांड है मेरी वेबसाइट पे वेब ऐप पे वो प्लॉटली का चार्ट शो हो उसके लिए, st.plotly चार्ट। और फिगर जो भी मैंने यहाँ पे जितनी है मैं यहाँ पे बनवा रही हूँ कोड सेम है, बाकी सारा जो मैं जुपिटर नोटबुक पे भी करती हूँ ये बिल्कुल वैसे ही कोड है, ठीक। सिंपली सिर्फ ये है कि एंड पे मैंने क्योंकि इसको स्ट्रीमलेट पे भी शो करवाना है तो मैंने उसको सिर्फ ये कह दी कि st मतलब जो स्ट्रीमलेट है डॉट प्लॉटी चार्ट, क्योंकि मैं प्लॉटी चार्ट है तो उसी के फंक्शन और फिग की फॉर्म में वेरिएबल कॉल करवा दूंगी इसको यहाँ पे, सिंपल एज इट इज, ठीक। तो ये मुझे एक प्लॉटी का यहाँ पे चार्ट भी बना के दे देगा। फिर वही ये सारा हमने सारा डिस्कस किया था पहले ही, टेस्ट पेंट स्लिपलेट मॉडल का मॉडलिंग करके देखी थी, और प्रडिक्शन यहाँ पे। अब प्रडिक्शन के लिए यहाँ पे रह गया था थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैंने टेस्ट ट्रेन स्प्लिट में भी ओके। सो यहाँ पे मैंने टेस्ट ट्रेन स्प्लिट में एक्स और वाई लिए हुए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करवाते हुए और प्रिडिक्शन करवाते हुए, ठीक। यहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट वगैरह करवा लिया, सही। और यहाँ पे सिंपली st.write की कमांड है जिसमें मैं बार चार्ट भी शो करवा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस के लिए जो भी मैंने यहाँ पे अपने कंपेरिजन का बार चार्ट बनवाया था वो मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपल ये कमांड लिखूंगी। इसी तरह से अच्छा, ये वाला जो फीचर है ना ये किस लिए है, स्लाइडर्स का, ये जो मैंने यहाँ पे सारा लिखा है और सेलेक्ट बॉक्सेस का, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरा आपको पहले ऐसा करती हूँ, रन करके दिखाती हूँ कि इसकी क्या वर्किंग है अभी तक जो हम लोगों ने किया, फिर उसके बाद इस पे आते हैं कि कैसे ये किया गया। ओके, सो ये पहले से खुली हुई थी, चलो। तो ये था जैसे मैंने पहले डाटा प्रीव्यू समरी और मिसिंग वैल्यूज तो मैं यहाँ पे शो करवा रही थी, फिर मैंने डाटा प्रीप्रोसेसिंग जो की है उसके बाद फिर मिसिंग वैल्यूज आफ्टर ट्रीटमेंट भी मैंने यहाँ पे शो करवाई है, टॉप फीचर जो हमने कोरिलेशन के बेस पे निकाले थे। स्टोरी के हिसाब से
ओके ओके सॉरी अबाउट इट, यस आई जस्ट फॉरगॉट, तो मुझे स्विच करना पड़ेगा. ओके सो इज इट विजिबल नाउ? यस ओके सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग. अच्छा डेटा प्रीव्यू, डेटा समरी, मिसिंग वैल्यूज, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था. ये प्री प्रोसेसिंग के बाद भी मिसिंग वैल्यूज को मैंने ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे शो करवाया. ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पे टॉप फीचर्स भी वही लास्ट टाइम जो था डाटा विजुअलाइजेशन में EDA की ये वही करवा दिया था. और एनिमेटेड प्लॉट जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा यानी शो हो रहा होगा जो मैंने जेंडर और उसका बनाया है, तो ये है प्लॉट लेगा. ठीक है, इसमें क्या है सिंपली यानी एनिमेटेड है, इसको मैं प्ले एंड पॉज कर सकती हूँ. ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम सीरीज वाला डाटा नहीं है कि वो ज़्यादा इस तरह से मूव करता हुआ क्रॉस नज़र आता, तो एक तरह से उसने फोड़ा नहीं, जस्ट क्योंकि यही बार चार्ट थोड़ी उस तरह से कम्प्लीटली डिसअपियर हो रहे हैं. बट इट कुड हैव बीन बेटर, लाइक इससे बहुत अच्छी अच्छी टाइम सीरीज में ज़्यादा ही है वैसे अच्छा वर्क करता है. बट दैट्स हाउ इट इज, लाइक आपको पता चल गया कि मूविंग हमें इंटरेक्टिव वाले यहाँ पे बार्स नजर आ सकती हैं, और मैं जब भी इनके ऊपर देखूंगी तो ये मुझे वैल्यूज भी बता रहा है कि कौन सी हैं पर्टिकुलर. ठीक है, होवर करने पे, और इसके अलावा मूव कर सकता है. और इसमें आप अगर वैसे प्लॉटी के अगर एनिमेटेड बार्स देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे कि वो बाय टाइम मूव करने से कोई ना कोई वेरिएशन आ रही होगी, अक्सर आपने इस तरह के देखे भी होंगे. ठीक है, तो ओके सो इसके बाद लेटर ऑन ये जो मैंने मॉडल ट्रेनिंग और इवेल्युएशन के बाद पांडा से यहाँ पे डाटा फ्रेम में एक टेबल शो करवाया था वो है, और बार चार्ट जो हमने ST.bar chart से अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि वो भी एक हमने कमांड से यहाँ पे राइट करवा दिया है. ठीक है, बार चार्ट बनवाना तो हमें आता है, लेकिन स्ट्रीमलाइन पे कैसे करना है, इट इज जस्ट अ लाइन ऑफ कोड कि वही कोड से आगे जस्ट मैं उसे बस कमांड दूँ. अब मैंने जो टॉप फीचर्स का काम किया था ना बेसिकली, वो मैंने इसलिए किया था कि मैं अब एक चाह रही थी कि मैं एक ऐसे ही ये एक करेक्टर एक फीचर ऐड करूँ अपनी ऐप के अंदर, के ऊपर तो ये कह रहा है कि इसने मुझे मैंने CSV फाइल दी, उसने उसके सारे फीचर्स पकड़े जो मैंने एक्स में किए हुए थे वहाँ पे कोड के अंदर ऑलरेडी, और वाई जो टारगेट था जो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ था बैक एंड पे कोड पे, उसने ऑटोमेटिकली उनको ये मुझे यहाँ पे वो करके यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवा दिए मॉडल्स की एक्यूरेसी और रिस्पेक्टिव कंपेरिजन. लेकिन अब ये यूजर एंड पे है कि अब वो मैंने टॉप फीचर्स दिए हैं, अब वो कोई भी वैल्यू इसमें से सिलेक्ट करे एसकाइट की एल्बम. अब ये इसने क्या किया कि जो कैटेगोरिकल थे ना, कैटेगोरिकल थे जो कॉलम्स, उसमें तो 1 और 2 शो हो रही है. ठीक है, इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो 1 और 2 शो करवा सकता है. और जो कंटिन्यूस थी ना वेरिएबल्स, ठीक है, जिनकी वैल्यूज को ये रेंज जिसकी थी उसमें, उसने ये स्लाइडर शो करवा दी कि मैं स्लाइडर आगे पीछे मूव करके जो यूजर है मेरी ऐप यूज कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है सिंपली वो यहाँ से मेरी वैल्यू यहाँ से सिंपली स्लाइड करके कंटिन्यूस वेरिएबल की सिलेक्ट कर सकता है. और कैटेगोरिकल में ड्रॉप डाउन वैल्यू से मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करेगा, और फिर वो अपनी उसमें से बताए कि प्रेडिक्ट करो. ठीक, अब मेरा बैक एंड पे वही मॉडल रन हो रहा. ओके सो ये अब एक थोड़ा सा इशू आया, 1 सेकेंड लेट मी शो दिस कैटेगोरिकल विद डी टाइप डजंट सपोर्ट. अच्छा ओके मीन सो लेट्स सी अभी क्या इशू है. ठीक है, पहले ये सही वर्क कर रहा था एक्चुअली, कुछ अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो उसकी वजह से कुछ आया इशू. लेट्स सी, चलें इसको मैं बाद में देखती हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ठीक था और मैं इसमें कुछ चेंजिंग्स कर रही थी, सो somehow उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ. ओके आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन इट. मैंने कोड देखा है अभी फिलहाल के लिए, लेट्स सी क्या करता है. कैटेगोरिकल विद डी टाइप कैटेगरी डजंट मीन एंड स्पॉट रिडक्शन मीन. ऑलराइट आई विल चेक इट एट माई ओन एंड. ठीक है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि ये वाला एक फीचर मैंने ऐड करवाया जो कि पहले अपेरेंटली क्या रीडिंग दे रहा था वो बता रहा था कि वेदर इट विल बी वो क्या उसे कहते हैं कि क्या इसमें डाई होगा या लिव करेगा. ठीक है, तो 1 या 2 के फॉर्म में वो मुझे यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा था कि इसकी प्रडिक्शन क्या होगी कि इधर वो अलाइव होगा या डेड हो जाएगा. ठीक है, बेस्ड ऑन कि अगर एल्बमिन इतना रह रहा, बिलीरुबिन इतना रह रहा, स्पाइडर और वेरिक्सिस की ये कैटेगरीज हैं, तो पेशेंट की क्या फ्यूचर में सूरत हाल हो सकती है कि वो बचेगा या नहीं. ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रडिक्शन दे रहा था बेस्ड ऑन दैट.
सही, तो मेरा मकसद इसका टॉप फीचर्स के लाने का यही था, तो इसलिए वो मैंने शुरू में सेलेक्ट करके कि ताकि, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे ले रही थी इट विल बी अ मैस ऑन द वेब पेज, कि वो फिर जो है ना एक एक 10-12 फीचर्स जितने भी हैं वो सारे ही यहाँ पे मैं करवाऊँ और वो सिलेक्ट करे और सिर्फ ऐप भी स्लो होगी और वो इट विल बी अ मैस, तो जो टॉप 5 थे सिर्फ वही यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँ, इट विल बी बेटर। बाकी मैं आपको बाद में क्लास के बाद आई थिंक दे दूँ, इसको स्क्रैप करती हूँ कि मैंने कहाँ पे चेंजिंग ऐसी की हैं जो आई थिंक कोई इशू कर रही है, तो ये बाद में देखते हैं। ओके सो अभी फिलहाल के लिए इतना, यहाँ ये जितना वो लाइक ये था एक सिंपल वेब पेज का। अब आप में से कितने लोगों ने इसके ऊपर जो है मल्टीपल पेज का काम किया था? और इसके अलावा एक और काम मैंने कहा था होमवर्क के तौर पे, वो ये था कि आप लोगों ने इसमें देखना है कि आईपैड नोटबुक जो आप लोगों ने पहले से प्री प्रोसेसिंग की होगी उसमें से जॉबलिप की फॉर्म में डाटा को लाइक जॉबलिप से मॉडल जो ट्रेन आपने आईपैड नोटबुक पे अपने किया था वहां से जॉबलिप की फॉर्म में मॉडल लें प्री ट्रेन्ड, ठीक है, और जो डाटा भी अपने साइट डाटा क्लीन की है वहां से जो मतलब CSV फाइल में जुपिटर नोटबुक से डाटा इंपोर्ट करवाने, और फिर उन दोनों चीज़ों को यहाँ पे स्ट्रीमलिट के ऐप में पाइथन में इज यूज करें, ठीक है, यानी मॉडल को यहाँ पे ट्रेनिंग का मैं कोड लिखने की बजाय सारा डाटा प्री प्रोसेसिंग का कोड मैं स्ट्रीमलिट के ऐप में लिखूँ, इससे बेहतर है कि मैं पहले से प्री प्रोसेसिंग ये की हुई है ना जो अगर जुपिटर नोटबुक पे, तो सिंपल वही वाला क्लीन डाटा मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लूंगी, तो मुझे ये सारा प्री प्रोसेसिंग का कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा स्ट्रीमलिट के ऐप में, और अगर मुझे यहाँ पे मैंने अगर जुपिटर नोटबुक के अंदर ही ट्रेनिंग सारी करवाई हुई है तो फिर मुझे यहाँ पे भी सारी ये टेस्ट ट्रेन स्प्रेड से लेकर ये मॉडल ट्रेनिंग और ये सारा काम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट वहाँ से मॉडल ही जो जॉबलिप पे मैंने सेव करवाया वो यहाँ पे इम्पोर्ट करवाऊँ और आगे फर्दर काम करवाती हूँ। तो इस ये किसी ने ट्राई किया अपने एंड पे? जी मैं महानूर, आपने किया था? नो मैम, ये नहीं किया था ओके सर, आपने कहाँ तक किया इसको? ओके मैम, जो आपने करवाया था उसी को किया था सारा। ठीक है, तो आपने उसमें कैसे आपका रन हुआ था स्ट्रीमलिट पे? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स निकाल दिए थे इसमें से, नहीं करवाए थे, तो आपने कैसे किया था इसको? मेरा रन हुआ था मगर न्यूमेरिकल्स और कैटेगोरिकल्स ये थोड़ा सा मेरी मिस्टेक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं प्री प्रोसेसिंग नहीं थी ना ऐड की, तो ऑफकोर्स वो एरर ही दे रहा था, जो गिटहब पे अभी कोड पड़ा है उसमें एरर है, ठीक है, बट आई डेलिबरेटली क्विटेड दैट डाटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट फ्रॉम देयर, के वो आप लोग अपना ऐड करेंगे। तो उसके अलावा एक और जो रॉन्गली ऐड हुआ हुआ था ना पहले, वो ये था कि लेबल इनकोडर, ठीक है, अगर आपने वो किया हुआ ना ऐड इसमें तो वो भी असल में गलत दे रहा है, वो काम वो करेगा लेकिन असल में अगर आपने इस केस में अगर लेबल इनकोडर यहाँ पे ऐड किया तो क्या करेगा, एन एन वैल्यूज की एक अलग से कैटेगरी इनकोड कर देगा, तो वो भी रॉन्ग है, ठीक है, तो इस तरह से आपने मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करवा के फिर उसके बाद काम करना था। सो अपेरेंटली यहाँ तक सिर्फ अभी हम लोग क्योंकि देख रहे थे, मेरा फोकस ये था कि स्ट्रीमलिट के जरा जितने फीचर्स हैं वो आपको आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद लेटर ऑन हम मजीद इस पे काम करें। अच्छा, और इसके अलावा एक और मैंने काम आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो ये था कि हम मल्टीपल पेज, ये तो मैंने सिंगल पेज बनाई है ना, ठीक है, तो हम मल्टीपल पेज वाली कैसे बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल पेजेस हों, उस चीज को एक्सप्लोर किया आप में से किसी ने? ओके चलिए फिर आज वो देखते हैं, इट इज अ जस्ट सिंपल टास्क तो आज इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा होपफुली। ओके सो इसी में ही मजीद मैं अगर चेंजिंग्स करूँ तो मैं यहाँ पे ना बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने जहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया ना, तो मैं अभी यहाँ पे चाह रही हूँ कि फर्स्ट करें, मैं चाहती हूँ कि मैं 3 पेजेस हूँ मेरी वेब ऐप के, अभी तो फिलहाल के लिए एक ही वो सिंपल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक, तो अगर मुझे एक से ज्यादा करने हैं और मैं चाहती हूँ कि वो पेजेस जो है वो साइड बार पर डिस्प्ले हो रहे हो, मतलब मेन्यू के तौर पे नेविगेशन अलग से जो बार आती है वेबसाइट पे वो हो, और मैं साथ ये मतलब फिर मतलब के वहाँ पर लिस्ट में शो हो रही हूँ कि ये पेजेस हैं, और मैं वहां से जो सा पेज क्लिक करूँ वही वाले पेज पे मुझे वो लेके जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी स्ट्रीमलिट को ही ये एरियाज यूज करके स्ट्रीमलिट के ऊपर ही क्योंकि काम कर रही हूँ मैं, से यहाँ पे फंक्शन है साइड बार का सिंपल वो सेलेक्ट किया, और साइड बार का टाइटल क्या हो मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ इधर मैं फिलहाल के लिए।
नेविगेशन डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे पेज एक स्पेसिफाई करती हूँ, पेजेस स्पेसिफाई करती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से होंगे, ठीक है, साइड बार के ऊपर। तो अगेन रिट्रीव्ड और साइड बार, और यहाँ पे मैं रेडियो बटन दे रही हूँ, मतलब कि सर्कुलर हो और उस पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे गो टू, और आगे मैं एक लिस्ट दूंगी पेजेस की, ठीक है। और ये जो नेम मैं यहाँ पे लिखूंगी, आगे भी मैं वो एज इट इज ही यूज करूंगी, वरना ये इनको पिक नहीं करेगा। इसको करके भी देख लेते हैं एक दफा, डाटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। एक फर्स्ट पेज मैं कहती हूँ कि मैं ये बना दूँ, ठीक है। दूसरा पेज मैं बना देती हूँ हेपेटाइटिस की अवेयरनेस का, अवेयरनेस और तीसरा पेज मैं बना देती हूँ यहाँ पे कंटेक्ट अस का। तो इन तीनों में मैं जरा डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यूज करूंगी, एंड यू विल नो के कहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा पेज मैंने ये कॉन्टेक्ट अस का बना दिया। अच्छा, तो ये मैंने अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग पे पेजेस के जो साइड बार बताई है, और बताया कि पेज होंगे उसके ऊपर, और तीन ये पेजेस डिफरेंट बनाने हैं, ठीक। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ना क्योंकि पेज वन है, अब मैंने डाटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन का करना है, तो मैं यहाँ पे इसके हिसाब से ना यहाँ पे जो पहला वाला पेज होगा अब उसके ऊपर काम करने लगी हूँ। तो मैं उसे बताऊंगी अब कि इफ पेज सॉरी स्मॉल लेटर्स में आएगा, ओके। सो अगर पेज यानी इसका नेम क्या है पहले वाला, ये जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई किया है डाटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन, तो अगर पहले वाला पेज है, ठीक है, तो फिर क्या करे, फिर ये वाला सारा काम करे, ठीक है, कि उसमें ये उसके अंडर आएगा ये वाला सारा फिर, ठीक है। यानी पहले पेज पे ये वाला काम होना चाहिए, और ये वाला भी सारा बल्कि इसी पे ही आएगा फिर, ठीक है, कि आपने राइट भी करना है, अपलोड भी करवानी है, ये सारा कुछ मैं पहले पेज पे करवाऊंगी, एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन का काम, इसमें सारी ये चीजें आ जाएंगी इसके अंडर, विजुअलाइजेशन भी, प्लॉटली भी, एनिमेटेड प्लॉट, मेरे मॉडल की प्रेडिक्शन तक, सारा कुछ इसी में ही आएगा फिर फर्स्ट वाले में, राइट। जस्ट अ मोमेंट, तो ये मैंने इंडेंटेशन कर दी। इसके लिए मैंने कौन सा बटन यूज किया पता है आप सबको, शॉर्टकट सारे सिलेक्टेड कोड्स की इंडेंटेशन करने के लिए कौन सी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यूज होते हैं? जी नहीं नहीं मतलब मैं सारे मल्टीपल लाइन को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो वो टैब से तो नहीं होगी? मैंने सारी लाइंस को सिलेक्ट करके इकट्ठा टैब से इकट्ठा किया ना इंडेंट। उसके अलावा अच्छा कुछ बता। ओके, लेट मी जस्ट डू दिस, इसको ओके, यस इससे भी हो रहा है, ठीक है। बाज का अच्छा कुछ में नहीं हो रहा था, तो मैंने इसी यूवीएस कोड पे ये वाला देखा हुआ। ओके, सो यस, इससे मैं जैसे करती हूँ कंट्रोल और जो ये राइट राइट स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है, वो यूज कर रही होती हूँ। तो एनी हाउ बाकी में टैब से भी हो रहा है। तो बैक आप किससे करते हैं, मल्टीपल अगर आप कर रहे हैं तो ये बैक किससे करेंगे फिर आप? ये बैक स्पेस तो नहीं होंगे, किससे? शिफ्ट और टैब को साथ शिफ्ट और टैब, ऑल राइट, आप ये वाला यूज कर रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स आल्सो फाइन, ओके दैट्स गुड। और मैं इसमें यूज करती हूँ कंट्रोल और लेफ्ट वाली स्क्वायर में। ब्रैकेट, दोबारा बताइएगा सर। शिफ्ट टैब, टैब के साथ शिफ्ट शिफ्ट टैब का, यस शिफ्ट और टैब ओके दोनों करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एडिंग, दैट्स अ न्यू थिंग फॉर मी एज वेल, आई थिंक ये किसी ने पहले भी बताया हुआ, मैं भूल गई थी, यस। तो ये जो है ना, इसमें मैं जो यूज करती थी, मैं कंट्रोल और स्क्वेयर ब्रैकेट्स की यूज करती थी। लेफ्ट वाली यूज करेंगे तो बैक पे जाएंगे, राइट वाली स्क्वेयर ब्रैकेट कंट्रोल के साथ यूज करेंगे तो वो राइट पे जाएंगे इंडेंटेशन, सो दैट्स आल्सो न्यू थिंग, ओके। सो ये एक साइड पे चीज थी। अच्छा, ये तो सारा मैंने डाल दिया फर्स्ट पेज पे। तो अब मैं अगर इसको सेव करती हूँ और अपनी वेब ऐप पे जाके देखती हूँ कि क्या चेंजिंग्स आई हैं, ओके। सो ये वेब ऐप मेरी शो हो रही है, इसको वेट अ मिनट, जी। ये
1 सेकेंड, इस पे सेव क्यों नहीं हुआ? मैंने इसमें काफी चेंजिंग्स तो की हैं। चलें बाद में देखते हैं इसको भी। फिलहाल के लिए इतना ही कि मैंने ये इफ पेजेस इज इक्वल टू और इसके नीचे मैंने इंडेंटेशन ये की है, ठीक है, सारा कोड मैंने इसके अंडर कर दिया। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर इट नाउ। ये अब हमारी वेब ऐप कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेज पे अब ये मतलब फर्स्ट पेज ये डाटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन का आ गया, दूसरा पेज हेपेटाइटिस अवेयरनेस का, और तीसरा पेज कॉन्टैक्ट टेस्ट का। जो मैंने 3 नेम दिए थे ना उसे नेविगेशन बार में, ठीक है, तो ये यू नेविगेशन बार साइड पे नेविगेशन के नाम से आ रही है। मैं इस पर कोई और नाम भी लिख सकती थी, ठीक है। और उसके बाद गो टू का एक मैंने सेक्शन बना के यहाँ पे मैंने जो 3 नेम्स उसको लिस्ट में स्टार्टिंग पे दिए थे बिल्कुल, तो ये 3 नेम्स वो आ गए। और अभी मैंने बाकी के पेजेस पे कुछ भी नहीं काम किया, सो इसलिए वो ब्लैंक है। और यहाँ पे मैंने अभी वाला सारा जो सब मशीन लर्निंग से रिलेवेंट जितना भी अभी तक का किया हुआ था कोड वेस पे, कि मैं इस पे ब्राउज करके जब मैं फाइल सेलेक्ट करूंगी तो वो मुझे आगे उसका सारी एंड तक दे देगा, प्रोडिक्शन सारा काम करके दे देगा फर्स्ट पेज पर, ठीक। अब सेकंड पेज पे ऊपर काम करना है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि अगेन वहीं पे अपने वीएस कोड में मैं अब नेक्स्ट जो क्या करूँगी, अब पहले मैंने पेज का नाम स्पेसिफाई किया था जैसे वही यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज का नेम दे दूंगी इसे। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि एलिफ, ठीक है, पहले इफ था तब सेकेंड कंडीशन आ गई कि एल्स इफ अगर पेज का नेम क्या हो। सेकेंड नेम हमारा क्या था पेज में का, हेपेटाइटिस अवेयरनेस, अवेयरनेस यस, ठीक है। तो इसके अंडर मैं अगर फर्ज करें कोई भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, इसके ऊपर मैं टाइटल वगैरह भी लिखवा सकती हूँ। टाइटल लिखवाने के लिए मैं क्या करूँगी, यस, सिर्फ टाइटल ही लिखना है, यस, और ये आ जाएगा। ओके, सो सिंपली मैं इसी को लेती हूँ, ठीक है, इसका टाइटल हो जाए। और अब मैं क्योंकि आगे मुझे टेक्स्ट ऐड करवा रही हूँ तो मैं उसके लिए राइट का फंक्शन लगाऊंगी, और यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए जो पास करती हूँ ना, तो ये 3 कोट्स में, ठीक, यूं, और इनके दरमियान में मैं अपना टेक्स्ट मल्टी लाइनर टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट मार्कडाउन की फॉर्म में यहाँ पे सेव किया हुआ है, मैं वही वाला यूज़ करती हूँ। 1 सेकेंड, यस, ठीक है, ये मैं यहाँ पे शो करवाती हूँ। 1 सेकेंड, ये ठीक है, इसमें मैंने कुछ सिंपल जो इन्फॉर्मेशन हैबिटेटस की वो ऐड की, और मार्कडाउन की तरह बिल्कुल हेडिंग्स के लिए हैश टैग, और वैसे ही अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो ये सीधा से ये डैशेस लगा के, ठीक है, टैब, और ये सेम वैसे ही मैंने, और बोल्ड करना तो स्टैरिक्स, डबल स्टैरिक्स, ठीक, तो ये मैंने सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग यूज़ की है मार्कडाउन की इसके अंदर मल्टी स्ट्रिंग में, ठीक, डबल ओके में, ओके, ये जरूरत नहीं है, ओके। सो ये इस तरह से मैंने ऐड कर दिया टेक्स्ट, अब ये भी यहाँ पे मुझे शो होना चाहिए, तो मैं रीरन करूँ अगर, ओके, सो लेट मी रीरन इट, क्योंकि हमने सेव किया है। तो अब ये देखें सेकंड पेज पे मुझे यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे से जैसे मैंने डिटेल शो की थी वो यहाँ पे अब आ रही है। इसी तरह से थर्ड पेज के लिए भी मैं यही काम करूंगी सेम, अभी ये ब्लैंक है, सो लेट्स जस्ट डू इट ऑन फॉर द थर्ड पेज एज वेल। ओके, सो अब थर्ड पेज के लिए मैं सिंपली वैसे ही लिखूंगी एलिफ, ठीक, अगर पेज इज इक्वल टू है किसके, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्ट, यस एंड्स करके लिख सकते हैं इस अभी यस खाली एंड्स लिख के नीचे ना हम लिख सकते हैं इसमें क्या एल्स, पोस्ट
यस हम मिडल वाली को मे भी कर सकें, बट ज्यादा ये अलिफ यूज होती है, राइट? मतलब एक एक पेज वन एल पेज टू एल्स में फिर पेज थ्री खुद से ही आ जाएगा बस। हाँ, इसमें एंड वाले को हम एल्स भी करके देख सकते हैं वैसे, दरमियान वाले में यूजली एलिफ चल रहा होता है, बट आई थिंक इट कैन वर्क बोथ वेज। सो इसमें मैंने ऊपर क्या लिखा था? एल्स लिखेंगे तो अरे मेरे ख्याल से कंडीशन ही आएगी लिमिट्स के आगे, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हम इसको दोनों तरह से करके देखते हैं, लेट्स सी। ओके सो मैंने ऊपर ये कॉन्टेक्ट एस लिखा हुआ है इस तरह से, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, कि मैं इसको अगर इसके स्पेलिंग चेंज करूँ तो विल इट कॉज एनी प्रॉब्लम? यानी मैंने कॉन्टेक्ट एस यू लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको कैपिटल एस कर दूँ, सो व्हाट विल हैपन? लेट्स सी के क्या होता है। ओके सो फिलहाल मैंने एलिफ की बजाय एल्स लिखा है यहाँ पे। अगर मैं एलिफ कर रही हूँ तो फिर अच्छा, ये इंडेंटेशन का इशू भी आ रहा है, कुछ एल्स से नहीं ले रहा, वो पिक नहीं कर रहा। वन सेकेंड, आई डोंट थिंक सो कि इसमें एल्स वर्क करेगा फिर, लेकिन लेट्स सी, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, नहीं है। एल्स में कंडीशन ही नहीं लिखते हैं ना, एल्स में डायरेक्ट एल्स लिख के कॉलन लिख के नीचे वहां पे। अभी यस सो लेट्स जस्ट डू इट विद अभी एल्स। एलिफ, जी, एलिफ। ओके यहाँ पे आएगी एक ब्रैकेट, सही, और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है हमारी, तो अगेन इसी तरह से मैं ये चीज सारी इसमें लिख देती हूँ भर के, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके सो मैंने इसमें जस्ट वही हाइपरलिंक ऐड किया हुआ, वी नो के मार्कडाउन में कैसे करते हैं कि स्केयर, वो स्केयर ब्रैकेट में पहले टेक्स्ट लिखा और उसके बाद उसकी रिस्पेक्टिव जो लिंक है उसके आगे पेरेंथेसिस में लगा दिया मार्कडाउन के लिए, तो वो हाइपरलिंक हो जाएगा। जो भी ये टेक्स्ट मैंने स्केयर ब्रैकेट में लिखा है उसका हाइपरलिंक होगा ये रिस्पेक्टिव, ये वाला लिंक उसमें उसके साथ अटैच हुआ होगा, तो ये मैंने फर्जी यहाँ पे लिखा है। लेट्स जस्ट सी कि अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वेब पे। ओके ऑल राइट सो ये अवेयरनेस का आ गया पेज, और ये कॉन्टेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं आया। इसको रीरन करके भी देख लेते हैं, बट बेसिकली कॉन्टेक्ट अस पे कुछ भी नहीं आया, बिकॉज क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज किया था उसके स्पेलिंग को, मतलब हमने सिर्फ कैपिटलाइजेशन चेंज की थी। सो कहाँ पे है बेसिकली ये, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक अच्छा, ये मेरी कोई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी फिलहाल। अच्छा ये हो तो रही है, वन सेकेंड, वीएस कोड क्यों नहीं आ रहा अभी इसमें? ओके सो वीएस कोड सबसे एंड पे, पता नहीं क्यों चला गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके तो अच्छा ये मैंने अब यहाँ पे सिंपली, क्योंकि मैंने ऊपर जब मैंने स्पेसिफाई किया था तो मैंने इनको स्मॉल लेटर्स में किया था कॉन्टेक्टर्स को, और यहाँ पे जब मैं कर रही थी तो मैंने ये, क्योंकि कैपिटल में खुद खुद ही लिखा था, तो जो मैंने ऊपर लिस्ट में नेम जैसे स्पेसिफाई कर दिया ना, इवन कैपिटल है तो वैसे ही, और अगर स्मॉल है तो वैसे ही, तो अगर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज यहाँ पे करेंगे तो उसको पिक ही नहीं करेगा। उसके लिए एक नया नाम, नया पेज है जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो कि ऊपर वाले नेविगेशन बार में मैंने दिया नहीं है, तो इसलिए उसने इसको अपडेट नहीं किया था। तो अब मैंने इसको सही किया तो अब डेफिनेटली इट शुड वर्क। अब मैं रीरन करती हूँ तो ये अब कॉन्टेक्ट पेज गेट कॉन्टेक्ट अस में भी आ गया। अब इसमें एक और चीज़ ये भी हो सकती है, वो मैंने अभी नहीं की, वो ये है कि आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स एक दे दें, ठीक है,
मतलब कि जैसे फीडबैक बटन के लिए अक्सर नहीं होता कि टेक्स्ट दिया होता है और सबमिट का बटन होता है, और सबमिट के बटन पे वो क्लिक करेगा तो वो पीछे बैक एंड पे उसको जो सिस्टम है उसको आपके वो जो भी फीडबैक आपने टेक्स्ट में लिखा है वो चला जाएगा। तो ये वाला फीचर भी इसमें ऐड हो सकता है स्ट्रीमलेट के अंदर। सो रदर देन गिविंग द लिंक्स वी कैन आल्सो गिव एड आल्सो या इसके आगे मजीद फीडबैक में टेक्स्ट बॉक्स के साथ सबमिट का बटन वाला फीचर भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा ये मैंने सिंपली जस्ट ये मल्टीपल फीचर्स हमने देखनी है कि स्ट्रीमलेट में किस तरह से होते हैं। सो हमें जब ये आइडिया हो गया तो हम क्रिएटिवली अपना कोई भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो वी नो कि हम मजीद क्या क्या बजाय इसके कि बिल्कुल एक ब्लैंक सी थे। तो ये बिल्कुल सिंपल लाइंस हैं, एक एक लाइन का कोड है कि आप एक प्यारी सी इमेज भी डिस्प्ले करवा दें, तो और साथ ही एक आधे सेक्शन मल्टीपल पेज में बना दें, ठीक है, तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। और इसके अलावा एक और काम ये भी हो सकता है कि वीडियो भी बनवा यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो कैसे होगा, अगर मुझे यहाँ पे कोई वीडियो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँ, सो इट्स आल्सो जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू लाइंस ऑफ कोड, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सिंपली पहले मैं एक वीडियो का यहाँ पे पाथ, अगर मुझे लिखना है कोई टेक्स्ट वगैरह इसके साथ तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ एसटी डॉट राइट से। बट अभी अगर हम सिंपल जाएँ तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वीडियो पाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे वीडियो पाथ क्या होगा, ये मैं यहाँ पे जो मैंने इसी फोल्डर में क्योंकि सेव किया हुआ है तो मुझे वो पूरा इसकी लोकेशन नहीं देनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे यहाँ से देती हूँ कॉपी फाइल पाथ के नाम से, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ठीक है, कॉपी पाथ की, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं डिफरेंट फोल्डर में होता तो मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना था, लेकिन ये सेम फोल्डर में है तो बस एज इट इज नेम ये रिकॉर्ड डॉट MP4 की एक फाइल है, तो मैं वही उसी फोल्डर में से इसको दे रही हूँ। तो रिकॉर्ड डॉट MP4, ओके। सो बेसिकली ये क्या है कि मैंने ना इसमें यही वाली अपनी ऐप की रिकॉर्डिंग की हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ पे जब मैंने वीडियो पाथ सेट कर दिया है तो अब मैं अब वीडियो फाइल के नाम से इसको देती हूँ वीडियो, ठीक है। और मतलब ये अब इसके वेरिएबल में अब मैं उसे कहती हूँ कि ये वाला पाथ ओपन कर दे, ठीक है। तो वीडियो पाथ को ओपन करे किस मोड में, रीड रीड बाइनरी मोड में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अब रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन करेगा, फिर उसके बाद इसको बिट वाइज रीड करे। तो अब मैं इसको कहती हूँ कि मतलब कि ताकि वो बिट वाइज रीड करे इसको और वहाँ पे न्यूट्रॉन डिस्प्ले करवाए। तो मैं अब इसे यहाँ पे करवा रही हूँ कि वीडियो जो मैंने यहाँ पे ओपन करवाई हुई है इसको यहाँ पे रीड कर ले, ठीक है। हमें पता है हम कोई भी फाइल हमने पहले इंपोर्टिंग में देखा है कि जब भी कोई फाइल रीड करवानी पहले उसे ओपन करवाना है, ठीक है। तो वही सिंपल चीज़ है कि ओपन करवाने के लिए पहले मैंने बात बताया उसे कि कहाँ से पड़ी हुई है चीज़ जिसको ओपन करना है और किस फॉर्म में ओपन करना है, रीड ओनली हो सकता है, राइट वाली हो सकती है कमांड, ठीक है, यहाँ पर रीड बाइनरी है, फिर उसके बाद उसको बिट वाइज रीड करना है, पहले ओपन कर लो फिर रीड कर लो, वो वाली इंस्ट्रक्शन दे दी। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रीमलेट को कहना है कि अब वो ये जो ओपन हो गई है ना फाइल और रीड भी कर ली है इसको जो है ST.video इसका अपना फंक्शन है, ठीक है, वो मैंने जस्ट उसको दिया और मैंने यहाँ पे वीडियो बाइट्स में जिस तरह से उसने इसको रीड किया होगा वो मैंने यहाँ पे पास करवा दिया कि रीड कर लिया है। तो अब ये स्ट्रीमलेट वीडियो का फंक्शन है ये यहाँ पे डिस्प्ले करवा दे। सो लेट्स सी कि अब ये क्या करता है, इट शुड वर्क, ओके। ये यहाँ पे आपको नीचे शो हो रही है ये वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से इट्स जस्ट अ सिंपल फ्यू लाइंस ऑफ कोड के मैंने वीडियो ओपन करवाई, रीड करवाई बाइनरी मोड में, सॉरी ओपन करवाई मैंने बाइनरी रीड बाइनरी में और रीड करवाई बिट वाइज, ठीक है। उसके बाद मतलब उसको सिंपल मैंने उसको रीड की कमांड दी, ठीक है, रीड करे, और उसके बाद मैंने उसको स्ट्रीमलर्ड को कह दिया कि रीड वाली जो फाइल है ना इसको पकड़ ले, ठीक है, यूज़ कर ले अपने डिस्प्ले के लिए। तो उसके ऊपर रिस्पेक्टिव मैं हेडिंग है, इससे पहले कोई टेक्स्ट वगैरह देती तो ये प्रोमिनेंट हो जाना था कि ये इसमें है, ठीक है। वेट अ मिनट, ये मैंने कहीं ऊपर भी ऐड की हुई है, लेट मी सी
अच्छा ये मैंने एक फाइल में से निकाला हुआ ना, इसलिए ऐसा हुआ है। इसकी इंडेंटेशन करते हैं, 1 सेकेंड। नाउ सी, और उसके लूप में से निकला हुआ है तो इसलिए एक से ज्यादा जगहों पे रीड हो रहा है। तीनों जगहों यस पे आ गया है। आपने उससे बाहर लिख दिया था, इसके तीनों पेजिस पे आ रहा था। वीएस कोड में जो मैंने अभी चेंज किया। नहीं मिस, आपने एल्स की कंडीशन से बाहर लिख दिया था ना, इनको मेरे ख्याल से ये तीनों पेजिस में आ रहा था। हाँ वो मैंने इसलिए किया है। हाँ वो मैंने ना लूप से बाहर निकाल दिया था कोड के मुझे। हाँ एल्स इफ की जो कंडीशन आ रही थी ना, हाँ मैंने उसमें इंडेंटेशन से पहले कर दिया था उसको, तो वो फिर मेन पेज पे आ रहा था उसके अंडर डाटा एनालिसिस के, इसलिए इसमें भी आ रहा था, वो शो हो रहा था। तो यस अब मैंने क्योंकि उसको सही किया है इंडेंटेशन को, तो यस अब वो यहाँ से हट गया। ठीक है, और वो यहाँ पे भी नहीं है, नहीं होगा डेफिनेटली। और अब वो इसी के लूप के अंदर ही, मैंने क्योंकि अब इसकी इंडेंटेशन ठीक की है, तब वो थर्ड वाली के लूप के अंदर ही है, तब यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, सो इंडेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग विद इट। सो ये एक चीज हम लोगों ने देख ली। ओके चलें, इसके अलावा कुछ अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने मल्टीपल पेज का देख लिया, और इसके अलावा इसमें देख लिया कि किस तरह से वीडियो भी ऐड की जा सकती है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू विद इट? अच्छा अब इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट अगर आपके पास है, अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही किया है। और हाँ इसके अलावा एक और जो फीचर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई वाज अबाउट टू मिस दैट। आप लोगों ने अगर अपने एंड पे स्ट्रीम डेट को रन किया ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे नीचे वो सिंपल लोकल होस्ट की लिंक देता है जब आप स्ट्रीम डेट को नीचे करते हैं क्लिक। और वो जो लिंक है ना, अगर आप मैं अब वो किसी और के साथ शेयर करेंगे तो वो कभी भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वो आपके सिर्फ अपने लोकल होस्ट पे ही जनरेट हुआ है। तो अगर आप उसको चाहते हैं कि वो आप उसका शेयरेबल लिंक बनाएं, यानी अभी फिलहाल के लिए लोकल होस्ट का ही लिंक शो हो रहा होगा ऊपर, वो अभी ये लिंक मैं किसी को भी दूंगी तो वो उस कोर्स के लिए ये ऐप नहीं चलेगी इस तरह से ब्राउजर पे। उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए है कि मैं यहाँ पर डिप्लॉय का बटन है, ठीक है, इसको जब मैं क्लिक करूँगी तो वो मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रहा है कि कस्टम डिप्लॉयमेंट या फ्री वाली, ये जो स्ट्रीम क्लब कम्युनिटी क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पे मैं फ्री में डिप्लॉय करवा सकती हूँ पब्लिकली। तो इससे जब भी मुझे नेक्स्ट लेके जाएगा, तो इसमें क्या है कि मेरी यहाँ पे गिटहब के एक तो स्ट्रीमलेट का अकाउंट लॉग इन हुआ हो, बना हुआ हो, स्ट्रीमलेट का अकाउंट भी प्रोफाइल और गिटहब की भी प्रोफाइल बनी हुई हो। और उसमें दो चीज़ें ये भी हैं कि गिटहब पे भी मैंने जो स्ट्रीमलेट है, जो मैंने ऐप है, इसमें जैसे प्रॉपर रिक्वायरमेंट और TXT फाइल के साथ सारी रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं, फिर एक अलग से फाइल होती है कोड की, पाइथन फाइल, उसमें सारा कोड होता है। तो वैसे ही रिपोजिटरी में इस तरह से मैं बना के, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका फाइल का मेन पाथ जो गिटहब पे है वो वाला दूँ। ठीक है, तो अभी मैंने इसको लिंक नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन ये जो मशी वो मैंने गिटहब की रिपोजिटरी इसमें मतलब वो एक्सेस दी हुई है, ऑथराइज वो मांगेगा कि आपकी गिटहब के साथ इसने अकाउंट को लिंक करना है स्ट्रीमलेट ने, वंस यू विल हैव अकाउंट्स ऑन बोथ। ठीक है, अगर आपका स्ट्रीमलेट में नहीं बना हुआ तो वो भी बने बनने के लिए वो ऑप्शन देगा। वंस यू विल कम्प्लीट आर दोज रिक्वायरमेंट्स, तो फिर यहाँ पे मैं जब उसका वहाँ पे प्रॉपर बना के पाथ वो यहाँ पे उसका लिंक शेयर लगाऊंगी ना, जब यूआरएल अपना उसका, ठीक है, गिटहब की रेपो का सही, और उस ऐप का जो मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है उसी ऐप का यहाँ पे लिंक यहाँ पे यूज करूंगी, तो फिर अगेन यहाँ पे मुझे डिप्लॉय के लिए ऑप्शन देगा, विच आई विल क्लिक ऑन। और फिर उसके बाद मुझे जो लिंक जनरेट होगा ना, वो मैं कहीं पे भी पब्लिकली शेयर करूंगी तो उसको मेरी ये ऐप यहाँ पे शो होगी स्ट्रीमलेट पे, जैसे मुझे शो हो रही है। ठीक, सो ये एक था कि पब्लिकली कैसे डिप्लॉय करना है स्ट्रीमलेट को, ये वाला जो फीचर है ना पब्लिकली डिप्लॉय करने का, ये पहले नहीं था। ठीक, सो ये मतलब लोकल ही पहले होती थी, बट ये ना अब ये एक अच्छा मतलब पिछले एक आधा साल में ही आया है, और एक अच्छा एडिशन है कि अब इसको पब्लिकली भी डिप्लॉय कर रहे हैं। ओके सो अच्छा ये हो जाएगा पब्लिकली डिप्लॉय करने का भी, अगर नहीं तो ये एक मेरे पास एक लिंक है एक मीडियम के आर्टिकल का, आई थिंक दैट कैन आल्सो हेल्प यू के स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका यूआरएल पब्लिक शेयरेबल यूआरएल बनाना है। लेट मी शेयर दैट
टू इन द चैट बॉक्स, आई विल शेयर दैट इन द स्लैक चैनल एज वेल, राइट? तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, सो ये था आज का जो मैंने आज बताना था, ठीक है, लेक्चर. इसके अलावा आप आगे जो नेक्स्ट आप लोगों के लिए काम है वो यही है कि आप लोग अपने एंड पे भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट करें, बिकॉज वी आर नाउ एंडिंग टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस सेशन, राइट? हम लोगों ने डाटा, एडवांस डाटा एनालिसिस का ही थोड़ा बहुत देखना था अपेरेंटली. तो वैसे हम लोगों ने जो पिछले फेज वन में तकरीबन सारा कवर कर लिया था, तो हम लोगों ने सबसे ये सोचा था कि कुछ चीज़ें जो रमज़ान के एंड तक नहीं हमारी कवर हुई, तो चलो ब्रेक के बाद हम दोबारा करते हैं वहाँ से कंटिन्यू. बट स्टिल वी कंटिन्यू विद द मशीन लर्निंग, वी मे गो टू एसक्यूएल इन 1 to 2 lectures, बट स्टिल अब इसमें अब आपके एंड पे है कि आप प्रोजेक्ट्स इसके अंदर लेकर आए कोई सामने. तो इस वीक में अभी आपके पास कोई है प्रिपेयर किया हुआ प्रोजेक्ट? किसी के इसके पास? पैरों का इसके जी बेस और ये डिटेक्टिव प्रोसेसिंग और मॉडल तक होंगे और आप स्ट्रीमली बनाते हैं उस सिस्टम फिर इंशाल्लाह ओके, और रहते कब तक हो जाएगा? उसका भी वो चीज में देख रहा था मैं सो जॉब लिप से हम वो कर सकते हैं इसका मॉडल को डंप करके आगे हमारे स्ट्रीम नेट की ऐप में हम यूज कर सकते हैं .py की फाइल में यस, उसके लिए वो वही बता रहा था कि सेकंड लाइन की एक वो है डॉट एक्सटर्नल्स उससे जॉब लिप इंपोर्ट होगी और उधर से हम डम करेंगे पहले और आगे जाकर किसी और फाइल में दोबारा जॉब लिप इंपोर्ट करके वहाँ पे उसको दोबारा रीड करेंगे। तो ये मैं रात को देख रहा था इस पे बस वर्किंग रहती है थोड़ी सी स्ट्रीम लीड और एक सिंपल सा वो बना के ना मिस कि वो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, दैट्स गुड. ठीक है, तो इंशाल्लाह आई फिर एम होपिंग. क्या था जैसे ओके, कंप्लीट ठीक होती है आपको बताता हूँ उस पे इंशाल्लाह फिर करते हैं। है, दैट्स गुड. और मैम महनूर, आप बताएं क्या प्रोग्रेस है? यस मैम, मैं कर तो रही हूँ मगर उस पे मशीन लर्निंग का मुझे समझ नहीं आ रहा था. ओके, सो चलें उसको डिस्कस कर लेंगे हम. यू कैन शेयर विद मी कि जो आप आपको मतलब आइडिया नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको लेके चलना है, सो वी कैन डिस्कस वेयर एवर यू आर यस स्टक. ठीक. एंड सर जुबैर, आर यू वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट प्रेजेंट इन द क्लास? अस्सलाम वालेकुम। नो मैम, एक्चुअली मेरी एक दो क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और इसलिए मैं सही से टच नहीं हो पा रहा और मैं ये भी चाहूंगा कि आप प्लीज इस प्रोजेक्ट जो स्ट्रीमनेट के थ्रू किया आपने इसको समराइज कर सकती हैं कि हमने क्या किया है इसमें ओवरऑल, क्योंकि मेरी एक दो क्लासेस मिस हो गई थी। ओके, नहीं अभी तक फिलहाल के लिए यही है. फर्स्ट ईयर में हमने थोड़ा बहुत इस डाटा को एक्सप्लोर किया था, तो उस पर ज़्यादा इतना काम नहीं किया. ज़्यादा फिर मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन का ही आइडिया देना था कि कौन कौन से फीचर्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी हैव डन द यूजुअल, अभी आपने जैसे आज क्लास में देखा है कि जितना थोड़ा बहुत प्री प्रोसेसिंग कैटेगोरिकल और मिसिंग वैल्यू के लिए की, ठीक. कैटेगोरिकल को मोड से और न्यूमेरिकल को मीडियन से हम लोगों ने इंप्यूट करवाने के बाद रिस्पेक्टिवली उसके जो यहाँ पे मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो अप्लाई किए हुए ट्रेनिंग करवाने के बाद. और कुछ ये डिस्प्ले के लिए मैंने जैसे बताया था कि टॉप फीचर्स मैंने क्यों लिए थे, मैं चाह रही थी कि ऐप के ऊपर वो डिस्प्ले जो है वो 5 हों, ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे टॉप 5 ही लिए थे और लेटर ऑन उन्हीं को यूज़ किया था कि वो जो यूज़र ऐप है उस पर वो कस्टमाइज करने के लिए सिर्फ ये 5 हों, बजाय इसके कि 10-12 फीचर्स ऐड कर दें और वो इतना मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ऐप के ऊपर प्रेजेंटेबल नहीं होगा. और सिंपली जस्ट हम यही एक्सप्लोर कर रहे थे अभी फिलहाल के लिए, कैसे प्लॉटली या बार प्लॉट वगैरह भी हम इसी पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, फिर वीडियो कैसे करवा सकते हैं सिंपल एज इट इज. लाइक वी आर काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ स्ट्रीमलीट ऑन दिस डाटा सेट, और इस डाटा सेट का स्टेप वाइज हम लोगों ने सारे देखे कि इसमें EDF भी आ जाए, उसमें डाटा डाटा बिट प्रोसेसिंग से लेके मशीन लर्निंग और वो सारा एंड तक, ठीक. और इवन के डिप्लॉय कैसे करना है. स्ट्रीमलिट वेब वेब ऐप के लिए यूज होता है। यस, ये जैसे आपने देखा है कि ब्राउजर पे भी मैंने दिखाया था, यानी इस तरह की वेब ऐप बन गई है एक आप प्रेजेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए. ये आपकी मॉडल प्रेडिक्शन की एक ऐप है, वेब ऐप. जी मैम ठीक है। ओके, यस. एनी अदर क्वेश्चन?
मैम नेक्स्ट गोल क्या है? ओके नेक्स्ट गोल बेसिकली एंड टू एंड तो तकरीबन हमारा काम हो गया, मतलब कि एंड तक हमने ये देखना था कि कैसे सारे डाटा के स्टेप्स जब हम कंप्लीट करते हैं तो डिप्लॉय कैसे हो जाता है, ठीक है। तो हमने उसके लिए सिंपल सा ये इजी सा फ्रेमवर्क है जो स्ट्रीमलेट का है वो ही यूज़ किया। ऑल्दो यू नो के बहुत सारे और भी यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा फ्लास्क है, हीरो को वगैरह, ये सारी चीज़ें भी यूज़ हो रही होती हैं इसी में आगे मतलब डिप्लॉय करने के लिए, बट स्ट्रीमलेट वॉज द इजिएस्ट वन फॉर डेटा साइंटिस्ट, तो यही वाली यूज करवाई है मैंने। बट अभी फिलहाल के लिए आगे ही प्लान है कि हम एक दो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, ठीक। हम लोगों ने कुछ डॉकर से कंटेनराइजेशन वगैरह तक थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था, उससे आगे अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिकली शायद उसको ना लेके चले, लेकिन स्ट्रीमलेट तक हमने किए। सर शिराज, मैं आपके क्वेश्चंस अभी लेती हूँ। वी आर ओके, सो वी हैव सम 5 to 7 minutes नाउ, तो ठीक है सर शिराज, आपका जो कल मिस्टेक थी वो उस पर भी आते हैं अभी, कि क्या आपका ट्रबल शूट में एरर था, ठीक है, क्या इशू आ रहा था। तो लेकिन अभी और आगे के लिए यही है कि अभी हम लोगों ने इसको क्योंकि क्लोजिंग करें, इट्स वीक 6 नाउ, वीक 6 राइट, तो प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे इसको। और अगर कुछ मजीद करना हुआ तो ये है कि हम एसक्यूएल पे कर देंगे, इफ अदर पार्टिसिपेंट्स आर विलिंग, तो 1-2 दिन हम एसक्यूएल को दे देंगे कि कैसे क्वेरीज की जाती हैं एसक्यूएल पे, और डेटाबेस से कैसे हम रिस्पेक्टिव डाटा अपना फिल्टर करवा के ले सकते हैं डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके। एसक्यूएल पे 1-2 क्लासेस हो सकती हैं ज्यादा ज्यादा, या गिट पे 1 आधी। अवर बात है गिटहब पे हमने उतना देख लिया था जितना हमें यूज करने के लिए मतलब चाहिए था, क्लोन करना, फोर्क करना, और इसके अलावा मतलब अपनी रिपोजिटरी में कैसे लेके चलना है, तो ये VS कोड्स के साथ हमने लाइन करके देख लिया था शुरू में इसको, तो उसका एक आर्टिकल का लिंक गूगल डॉक्स पे पढ़ा भी हुआ है, पढ़ा हुआ है उसमें हमारी जी ड्राइव पे, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू डोंट नो अबाउट इट। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट कवर है, अगर किसी किसी को सजेशन है कोई एडिशन करवाना चाह रहा है तो डू लेट मी नो कि ये चीज़ हमने कवर नहीं की। मैम अगर अगर हम थोड़ा जनरेट को देख लें अगर चाहें तो किसको जनरेटिव एआई जनरेटिव AI, इट विल तो बी ये थोड़ा सा ना लाइक ज्यादा एडवांस हो जाएगा आई थिंक, इसके लिए एक अलग से कोर्स हम जरूर डिजाइन करवा सकते हैं, लाइक वी कैन आस्क इट इन द ग्रुप, आई थिंक इट शुड बी अ सेपरेट कोर्स, बट आई विल सी अगर मैं कोई एक आधी क्लास में इसको थोड़ा बहुत इंट्रो दे सकती हूँ तो वो हम कर लेंगे, बिकॉज इट्स अ होल न्यू थिंग, फिर हम उसमें जाएंगे तो मजीद एक आई थिंक इस पे एक अलग कोर्स बन सकता है, लेकिन हाँ एक आध एक क्लास में इसकी इंट्रोडक्शन हम देख सकते हैं कि है क्या। यस सर आते जी मैम एसक्यूएल ठीक और इंट्रोडक्टरी क्लास हो जाए मेरे हिसाब से तो एक एक दो एसक्यूएल ठीक है ओके सर आते, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा मिस इसमें ये पूछ रहा था अगर हम अनसीन डेटा लेते हैं या यूजर से अगर चलते हैं तो आप डेटा पास करोगे या आप इसमें वही कह रहे हैं ना कि आप CSV में डेटा पास करूँ इसको हम किस तरह वो आगे प्री प्रोसेसिंग को लेकर चलेंगे क्योंकि उसमें तो कुछ भी हो सकता है हाँ ना हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ नाइस एन क्वेश्चन जी, वो मैं आपका समझ गई क्वेश्चन, यस दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें तो अभी हम बिल्कुल सिंपल सा कर रहे हैं ना, बिगर फ्रेडी, इट्स नॉट अ दैट मच इंटेलिजेंट कोड कि कोई भी डाटा आएगा और उसको ही कर लेगा, उसके लिए स्पेशल एप्स भी हैं ऑलरेडी कि आप उसमें, जैसे आपने देखा अब था मैंने एक वाई डाटा के नाम से था, हम लोगों ने पांडास प्रोफाइलिंग वगैरह इस तरह की सारी चीजें देखी हुई ऑलरेडी, कि वो भी इस तरह की एप्स ही हैं कि आप उस पे, या लाइब्रेरीज है, मॉड्यूल्स हैं कि आप उनके थ्रू जो भी डाटा डिवाइड देते हैं डेटा ना वो ऑटोमेटिक, प्रोफाइलिंग हाँ, तो वो सारी वो उसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं करके दे देता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको सारे वो ईडी इतना अच्छा कर देता है, तो इतना वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने अपने कोड को इंटेलिजेंट इतना बनाया है, उसको इतना डाटा फीड करवाया, उसके अंदर इतना ज्यादा उसके ऊपर कोडिंग एक एक चीज पे की हुई है, तो देन ओनली जितना आपने इसको टीच करवाया। हमारा कोड अभी के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए है कि आपने एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है, किसी के साथ शेयर कैसे करना है, तो उसके लिए आप वेब ऐप के में उसको डिप्लॉय करके देख लें, ठीक है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के हिसाब से। अदर वैसे भी यूज कर सकते हैं सकते हैं इसे प्रोजेक्ट में डेटा प्रोफाइलिंग वाले यस
हाँ आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए करेंगे तो उसके लिए आप अलग से इसमें कोड वैसे ही लिखेंगे जो इस प्रोजेक्ट के लिए होगा, मतलब एक सिंगल कोड के लिए वन एंड टू एंड आप लेके आना चाहते हैं तो उसमें डिप्लॉयमेंट के लिए यूज हो रहा है कि आप एक सिंपल कोड, अगर आप उसको हर एक CCCS फाइल के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन द कोडिंग, फिर उसकी हर तरह से एस्पेक्ट को कवर किया जाए डाटा एनालिसिस के लिए। सो एक बंदा नहीं कर सकता, इट शुड बी अ टीम ऑफ पीपल एक्सपर्ट्स जो मिलके इस पे काम करें, और ऐसी बहुत सी एप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आई थिंक सर शिराज का जो क्वेश्चन है वो भी काफी रह गया एंड पे, तो ये सर शिराज आपको क्या समझ नहीं आ रही इस कोड में, कौन सी चीज मैंने दोबारा रिपीट करनी है? लाइक इसमें ना एक तो ये चीज है कि आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आपने पिछला नहीं किया, और एक मुझे ये लगता है कि आपने ना ये जो आपकी रन नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल है हमने क्लास में शुरू में डिस्कस किया है कि आपने हो सकता है रीनेम करें तो ये हो जाए सही, ठीक है? तो आप इसको यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे hipaa.py लिखा ना, अगर मैं इसमें अगर कोई स्पेस दे रही थी ना, ठीक है, नाम के अंदर